ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम असद है और एक नई सुबह के साथ और एक नए व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम ठहरे कराची के बासी और कराची बहुत सारी चीज़ों की वजह से मारूफ है, यानी कि फेमस है। उनमें से चंद चीज़ें आपके सामने गोश गुजार कराते चलो। नंबर एक खाना, नंबर दो डाइवर्सिटी, नंबर थ्री यूनिवर्सिटी, नंबर चार सी व्यू और नंबर पाँच क्रिकेट। मैं पी आई डिस्क पर मौजूद हूँ, नासिर भाई भी आ चुके हैं। बस कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, क्योंकि अगर मेन प्लेयर्स नहीं आ रहेंगे तो फिर काहे का फ़ायदा। प्लेयर्स हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल मकसूद शरीफ पर, अपना हुनर और गुर्दा आजमाने। एक मिनट शायद धूप अंधेरा बहुत आ रहा था। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, अपना हुनर और गुर्दा आजमाने। बाकी मैं जिनके साथ आया हूं नासिर भाई, वो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अब हमें अपना हुनर दिखाना होगा, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। अपडेट कुछ ऐसी है कि आज हम अपनी मीठी नींद की कुर्बानी सिर्फ इसीलिए देकर आए हैं ताकि हम क्रिकेट बॉल्स के ट्रायल्स दे सकें, क्योंकि जहां क्रिकेट हो वहां आपका भाई ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? मतलब कि कैसे? एक बात हम आपको ये बताते चलें कि जहां आज आपको यंग ब्लड मिलेगा देखने को, वहाँ ओल्ड ब्लड भी मिलेगा। नो ऑफेंस, मैं इसकी वजह आपको बता दूँगा आगे चल कर। देखें भाई, खेल को चंद मखसूस चीज़ें ख़ास बनाती हैं। नंबर एक फेयर प्ले, यानी कि ईमानदारी से खेलना। नंबर दो अप्रिशिएट करना, यानी कि एक दूसरे को सराहना। नंबर तीन रिस्पेक्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स विदाउट रिस्पेक्ट इज़ नथिंग बट अ ट्रैश। और सबसे आखिर में इंसान, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ अबव एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है कोई ह्यूमन राइट्स का ब्लॉग बना रहा हूँ। यंग ब्लड और ओल्ड ब्लड वाली चीज़ में ज़रा स्पेसिफाई करता चलूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत सारी कंपनीज के दरमियान हो रहा है, जिसमें हमारी टीम भी शामिल है, जो कि अभी सेलेक्ट हो जाएगी आज या एक दो दिन में। तो मैं ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा कि कौन कौन शामिल है, कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो कंपनीज ने अनाउंस किया कि ये ओपन ट्रायल है, कोई भी आ सकता है किसी भी एज से, बस वो कंपनी मेम्बर होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर सेलेक्शन हो सके। तो इसलिए हमने कहा कि आप ओल्ड ब्लड भी देखेंगे और यंग ब्लड भी देखेंगे, जो जिस तरह परफॉर्म करेगा। वैसे थोड़ा सा सियासी हो रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरी टीम में सिलेक्शन होगी या इलेक्शन, सोचने की बात है। नासिर भाई की फरमाइश हुई थी कि मेरे कुछ शॉर्ट्स लेना, वही ले रहा हूँ। सुबह का टाइम है, धूप बहुत है, लेकिन कोशिश करूँ कुछ ढंग के शॉर्ट आ जाएं। लग ही नहीं रहा कि मैं ख़ुद भी ट्रायल देने आया हूँ, व्लॉग ही बन रहा है, कभी इनकी वीडियो कभी उनकी वीडियो। उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा बने, लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत सारी एडिटिंग होने वाली है, पता नहीं मैं कब ट्रायल दूंगा। क्रिकेट का मेला सजने को हो और मेरा व्लॉग हो और सिर्फ मैं ही बोलूं, ये बात जम नहीं रही। तो कराची का ये बॉय आपको आज के चंद उम्मीदवारान से मिलवाता है। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान सिद्दीकी मेरा नाम है। मेरा नाम राहिल अख्तर है। मेरा नाम सैयद शानुमानी है। लिप कुमार है। मेरा नाम नासिर है। मेरा नाम वकार यूनुस है। और आज हमारी कंपनी ने जो है वो ट्रायल्स रखे हैं, और पहले भी देते रहें ट्रायल्स, लेकिन ये है कि आज थोड़ा सा टफ लगा मुझे, क्योंकि नए लड़के भी आए, यंगस्टर्स भी आए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तमाम चीज़ों के अंदर हमने जो है वो ट्रायल्स दिए हैं, और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नया टैलेंट बहुत अच्छा सामने आया है। कोच भी हमारे आए हुए हैं, कप्तान भी आए हुए हैं, अब कप्तान देख रहे हैं और वो नए लड़कों को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वो ज़रा स्किल्स हमसे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए या मेनटेन रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, बाकी अब देखें, अभी बैटिंग चल रही है, कप्तान खुद लगे हुए हैं। अब क्या होता है, हमारी बैटिंग हो गई है,
कर ली अपने हिसाब से तो पूरा अच्छा दिया, लेकिन आगे वाले को क्या लगा पता नहीं, देखते हैं क्या है सिलसिला। बाकी ये कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो अपनी कंपनी के लिए हार्ड बॉल की वो ट्रायल देना है और बैटिंग की ट्रायल तो दे दी, अब देखिए इंशाल्लाह बॉलिंग पे वो कर रहे लेकर हो जाए और फोकस पूरे इंशाल्लाह। आज हार्ड बॉल के ट्रायल्स चल रहे थे तो आज ट्रेनिंग के लिए ट्रायल्स के लिए आए, देखें अपना 100% दिया है और अल्लाह ताला कामयाब करे। आज हम लोग ट्रायल खेलने आए हैं मतलब क्रिकेट, तो मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। और आज हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं अपने हार्ड बॉल क्रिकेट टीम के, इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, हम सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं बॉलिंग में फील्डिंग में बैटिंग में, इंशाल्लाह होपफुली हम ये मैच और ये टूर्नामेंट ज़रूर विन करेंगे इंशाल्लाह। मैं कंपनी का ट्रायल देने आया हूँ यहाँ पर और अभी यहाँ आकर ये पता चल रहा है कि बहुत मुश्किल है भाई कॉम्पिटिशन यहाँ पर, क्योंकि हम तो काफ़ी 15-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी जो नए जनरेशन यानी कि नए लड़के आए हैं, यंग जनरेशन आई है, तो बहुत अच्छे खेल रही है और हमें नहीं लगता कि हमें कोई चांस मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन फ़िलहाल अपनी तैयारी करनी है क्योंकि मेरा टाइम आ गया है ट्रायल देने का, तो चलते हैं आजमाते हैं अपना हुनर। सर शुभ शुभ बोले। मजबूरी है क्या? बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब लोग आखिर के मराहल में दाखिल करने, थोड़ा सा इंट्रो देने, कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स लेने और दैट्स इट, हिम्मत टूट गई है मेरी। ट्रायल हो गए हैं लेकिन आज मुझे 3 काम करने पड़े, 2 काम हो चुके हैं, तीसरा करना पड़ेगा। मैंने ट्रायल भी दे दिया है, मैंने सिर्फ बैटिंग का ट्रायल दिया, बॉलिंग का नहीं दे सका, क्यों? क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तो 2 काम हो चुके हैं। तीसरा काम सबसे मुश्किल है जो कि एडिटिंग है, अभी फ़िलहाल घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करना है, इंशाल्लाह फिर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायल हो गए हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।